हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदू समर्थकों ने कस्बे में भव्य रैली निकालकर सभी को दी हिंदू नववर्ष की बधाई। चैत्र नवरात्र के साथ साथ शनिवार को हिंदू नववर्ष मनाया गया। हिंदू नववर्ष को लेकर कस्बे के रामदेव मंदिर से सैकड़ों की संख्या में हिंदू समर्थकों ने बाइक रैली निकाली। रैली में हर बाइक पर भगवा ध्वज व बैनर लेकर कस्बे का भ्रमण किया। उपखंड क्षेत्र में हिंदू समर्थकों ने अलग अलग जगहों पर रैली निकालकर जय श्री राम वो हिंदू नववर्ष कस्बे वासियों को चैत्र नव संवत्सर 2079 हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जय श्री राम के नारों से धर्मनगरी रानीवाड़ा गुंजित हो उठी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा रैली पर पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। रैली रामदेव मंदिर से निकाली गई। आम चौहट, गरबा चेक, मुख्य बाजार, बड़गांव रोड, तहसील रोड, सांचौर फाटक, बाईपास, बिनमार फाटक से होते हुए वापस रामदेव मंदिर पर सभा में परिवर्तित हुई। रैली में रतन भारती महाराज, प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा, व्यापारी महासंघ अध्यक्ष छेल सिंह सोलंकी, भगवा क्रांति संगठन के संस्थापक तनु सिंह देवड़ा, नरेश जोशी, फौज सिंह डाभी, रिडमल सिंह डाभी, अरविंद माली, ताराचंद भारद्वाज, चंदन सिंह, महेंद्र त्रिवेदी, ओड युवा संगठन ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र ओड, संजय राठौड़, पिंटू राठौड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस दौरान कस्बे में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सुबह 9 बजे भगवा ध्वज हाथों में लेकर भारत माता के नारों के जय घोष करते हुए रैली निकाली। विद्यालय की बालिकाओं ने कस्बे वासियों को तिलक लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। विद्यालय प्रबंधन ने मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालय द्वारा नव वर्ष के अवसर पर रैली का आयोजन कर लोगों को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया जाता है। चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नव वर्ष के शुभारंभ पर कस्बे में रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राएं हाथों में भगवा ध्वज लेकर विद्यालय से रवाना होकर गरबा चेक से होते हुए मुख्य बाजार से गुजरते हुए वापस विद्यालय पहुँचे। जागरूक टीवी के रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।